हेलो यार हूँ, तो क्योंकि मैं अभी हूँ थाईलैंड में, जो अभी अभी रिसेंटली खुला है, तो कुछ चीज़ें मैं बता दूँ। बाय द वे, फ़िलहाल मैं हूँ को समुई में, पर मैं जो अभी बताने वाला हूँ वो कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखना अगर आप थाईलैंड आ रहे हो, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे वही चेक होने वाली है। आने से पहले आपको चाहिए एक थाई पास, वो आप गूगल पे जाके टाइप करना थाई पास, तो वो आपको लिंक दे देगा कहाँ से अप्लाई होएगा। 1 से 6 दिन लगते हैं। एक आपको यहाँ से RT-PCR कराना होगा, दूसरा पूरी जर्नी की होटल रिजर्वेशन और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 4 चीज़ें ये आपसे एयरपोर्ट पे ही पूछ लेंगे, और अगर एक भी कम हुई तो आप जाओगे वापस। अब एक बात और कि यहाँ पे आप थाईलैंड पे जब आप पहुँचोगे तो आपका RT-PCR होगा कि नहीं, होगा, पर वो एयरपोर्ट पे नहीं होगा, आपको गवर्नमेंट एफिलिएटेड होटल से ही आपको 1 दिन क्वारंटीन होना है वहाँ पे, और जब जैसे ही आप होटल पहुँचोगे वहाँ आपका टेस्ट होगा, और फिर जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती यू हैव टू स्टे इन होटल। तो बस ये एक छोटी सी चीज़ें हैं जो आप जाने से पहले याद रखना। पर अभी मेरी नॉलेज में लेटेस्ट चीज़ ये आई है कि 27 तारीख तक, 27 मार्च तक ये थाई पास चाहिए, उसके बाद शायद नहीं चाहिए। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक बार आप पता कर लेना।